बॉयफ्रेंड की जगह परीक्षा देने गर्लफ्रेंड पहुंची कॉलेज। बॉयफ्रेंड परीक्षा वाले दिन गया उत्तराखंड घूमने, तो इधर गर्लफ्रेंड बैठ गई बॉयफ्रेंड की जगह एग्जाम देने। गर्लफ्रेंड पकड़ी गई तो बोली उसने तैयारी नहीं किया था तो मैं बैठ गई। इस मोहब्बत को देख लोगों ने कहा अब चांद तारे तोड़ने का गया वक्त, अब तो एक दूसरे को पास कराना ही रह गया है लक्ष्य। एक कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ कि आज पूरे देश में इसकी चर्चा हो गई। अभी तक डमी बनकर एग्जाम देने की कोशिश कई लोगों ने की है, लेकिन उनमें अक्सर एक लड़के की जगह दूसरा लड़का या फिर किसी लड़की की जगह दूसरी लड़की डमी बना करती थी। लेकिन यहां तो गजब ही हो गया, लड़के के कॉलेज परीक्षा देने लड़की पहुंच गई, जिसे एग्जाम देने के लिए मोटी रकम नहीं बल्कि मोहब्बत का लालच दिया गया था। बॉयफ्रेंड की जगह एग्जाम देने उसकी गर्लफ्रेंड ही पहुंच गई थी। ये परीक्षा किसी नौकरी के लिए नहीं बल्कि कॉलेज की डिग्री की परीक्षा थी, जिसे देने गुजरात के सूरत में एक 24 वर्षीय लड़की पहुंच गई थी। लेकिन लड़की और उसका बॉयफ्रेंड ये भूल गए कि ये कॉलेज की परीक्षा है, जहां आस पास बैठने वाले परीक्षार्थी क्लासमेट या फिर बैचमेट होंगे, जो आपको झट से पहचान लेंगे कि आप उनकी कक्षा के नहीं हैं। डमी बनकर एग्जाम अक्सर सरकारी नौकरी के लिए दिए जाते रहे हैं, जहां कोई एक दूसरे को नहीं जानता। डमी बनकर परीक्षा देने आई लड़की पर अब सरकारी नौकरी गंवाने का खतरा भी मंडराने लगा है। दरअसल लड़की सरकारी नौकरी में है, जबकि वो जिस बॉयफ्रेंड के लिए परीक्षा देने पहुंची थी वो बीकॉम तृतीय वर्ष का छात्र है। दोनों की इस हरकत के बाद सजा के तौर पर लड़की की नौकरी और डिग्री दोनों ही जा सकती हैं। और तो और लड़के को अगले कई सालों तक परीक्षा में बैठने भी नहीं दिया जाएगा। ये सब कुछ कहां हुआ है और कैसे इतना बड़ा धोखा देने की कोशिश की गई, खबर में देखिए। मामला वीर नर्मदा दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के सिंडिकेट विश्वविद्यालय से सामने आया है। यहां कॉलेज की परीक्षा के दौरान डमी उम्मीदवार को पकड़ा गया। परीक्षा कक्ष में प्रवेश के दौरान हॉल टिकट के एडमिट कार्ड को चेक किया जाता है, जिसके साथ लड़की ने छेड़छाड़ की थी। लड़की ने परीक्षा हॉल में प्रवेश पत्र में बदलाव कर अपने बॉयफ्रेंड की जगह अपनी फोटो लगा दी थी और पकड़े जाने से बचने के लिए नाम में मामूली सा बदलाव भी किया था। उसने समिति को बताया कि उसने कंप्यूटर का इस्तेमाल करके एडमिट कार्ड में बदलाव किया और उसका प्रिंटआउट ले लिया। जिस हॉल में लड़की एग्जाम देने पहुंची थी, उसी हॉल के एक अन्य छात्र ने पर्यवेक्षक को सतर्क किया। एक लड़का विशिष्ट सीट नंबर पर बैठता, जिसके बाद जांच में लड़की को पकड़ लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि जिस लड़के की जगह वो परीक्षा देने पहुंची थी वो उसका बॉयफ्रेंड है, जो कि एग्जाम वाले दिन उत्तराखंड में था और उसी के कहने पर वो परीक्षा देने पहुंची थी। लड़की खुद एक सरकारी नौकरी में है। अब निष्पक्ष मूल्यांकन और सलाहकार टीम समिति युवती के खिलाफ फैसला ले सकती है। समिति लड़की की बीकॉम की डिग्री रद्द करने की सिफारिश को स्वीकार करने का फैसला करती है तो उसे अपनी सरकारी नौकरी भी गंवानी पड़ सकती है। साथ ही लड़के को अगले 3 साल तक परीक्षा में बैठने से रोका भी जा सकता है। नेशनल डेस्क, न्यूज़ लाइफ, बिहार।